पहन रही है। सुबह सुबह सड़क के पास पहुंच गया, देखो और दिखाओ जरा, ये कैसे हो गिले, ये कैसे हो गिले, ये तो तूने, और पजामे की हालत देखो, ये भगवान। ठीक है, हम बैग पकड़ लो, मास्क लगा दो, रेडी हो जाओ आने वाले अंकल ने, कि अंकल ने बोला कि मैं आ रहा हूँ अभी। ठीक है, सुबह सुबह देख लो आप, ये हमारी खड्ड है, नजारे देख लो, और पुल के पास हम पहुंच गए हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, ये तो मैंने बोला ही नहीं, सो चलिए बोल देती हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। मुझे पता है किस तरह का कमेंट आएगा। हाँ, वो घर जैसा क्या है उधर? घर जैसा नहीं है, वो शमशान घाट है। हाँ, शमशान घाट है ये, अभी आ गई गाड़ी, आ गई, आ गई गाड़ी। आर यू रेडी फॉर स्कूल? तो सुबह अभी जा चुकी है स्कूल और मैं चढ़ रही हूँ वही चढ़ाई। अब ज्यादातर ब्लॉग की जो शुरुआत है ना, वो सुबह सुबह हो जाएगी, जैसे सुबह को छोड़ेंगे तो रोज की। और हाँ, नेक्स्ट डे, आज बता देती हूँ आपको, सैटरडे है और नेक्स्ट डे का मैसेज भी आया है, मतलब नेक्स्ट डे का नहीं, सॉरी, नेक्स्ट वीक का मैसेज भी आ गया स्कूल वालों का। तो उसके अभी वो अपनी फ्रेंड से नहीं मिल पाएगी, बेस्ट फ्रेंड से, पर उसने फ्रेंड्स बना लिए हैं, बट बेस्ट फ्रेंड उसकी वही है। तो बोलती मम्मा, जो उन सबको मिला के भी वही, वो बात नहीं है जो बेस्ट फ्रेंड के साथ होती है। कैसे होते हैं बच्चे ना, सबके साथ होता है ऐसा, हमारे भी जो बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे। चलिए, अब मेरी सांस फूल रही है, मैं थोड़ी देर के बाद आपसे बात करती हूँ। सुबह सुबह मेरी अच्छी वॉक हो रही है आजकल। सो अभी दोपहर का टाइम हो रहा है और अभी मैं कहीं जा रही हूँ, जैसा कि आप देख ही रहे हो, तैयार होके दोपहर के अभी 12:15 हो गए हैं, 12:15 से ऊपर है टाइम अभी। तो कहाँ जा रही हूँ मैं जा रही हूँ आज शादी में, शादी का कार्ड वाला ब्लॉग आपने देखा था, तो मैंने बोला भी था आपको कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी, शादी में जाऊँगी तो वो भी शेयर होगी आपके साथ। बस वही जा रही हूँ, बस मुझे बहुत जल्दी लगी है, क्योंकि आपको पता ही है सारे काम निपटाने पड़ते हैं। फिर उसके बाद तो नीचे मेरा भाई आया लेने, और शादी किसकी है वो बता देती हूँ, जिन्होंने जिनको पता नहीं होगा। तो मेरी भाभी की बहन की शादी है आज, बड़े वाला जो भाई है, बड़े वाली भाभी, उनकी बहन की शादी है, तो बस वहीं हम जा रहे हैं, मम्मी भी है साथ में। सो चलिए चलते हैं। तो यहाँ से मेरा भाई ले जा रहा है स्कूटी में, मतलब आगे तक हम जाएंगे, उसके बाद हम बस में हैं। अभी देखिए मम्मी भी है, मम्मी को पहले छोड़ के आ गया था दूसरे रोड पर और फिर मैं आई थी, और बस मैं हूँ, मम्मी है, और साथ में आगे आपको मेरी सिस्टर भी दिखेगी जो आगे पहले पहुँच गई है, मतलब मेरी कज़न सिस्टर, वो भी आपको दिखेगी। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ अपनी कुलदेवी का टेम्पल, ये देखिए मेरी सिस्टर, कज़न सिस्टर है मेरी, चाचू की बेटी। और बस हम पहुंच ही गए हैं, बस से हम उतर गए हैं, और बस में काफ़ी भीड़ थी, यहाँ से हम जा रहे हैं ऊपर, काफ़ी बड़ा गांव है ये। और ब्लॉग आप पूरा देखिएगा तभी आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि किस तरह के रीति रिवाज होते हैं हमारे। कुछ मैं बीच में ऐसे ही रखूँगी एज इट इज़। देखिए हम पहुँच गए हैं आंगन में, थोड़ा सा कंजस्टेड एरिया है ये आंगन, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि बड़ा गाँव है तो आपको पूरा गली, मतलब जैसे गली गली से नहीं निकलते, वैसा ही है कुछ ये। और मुझे यहाँ पे अपने भाई की शादी भी याद आ रही है, अपनी भाभी की शादी, हम बैठे थे, देखिए दूल्हा दुल्हन, ये मेरी भाभी की बहन है, और ये दूल्हा, अभी दूल्हे का सेहरा नहीं उठाया है, पूरा वेदी में काम चल रहा है, अभी कन्यादान हो रहा है। कुछ ना मैं चाहती हूँ कि मैं एज इट इज़ रखूँ, आप देखें हमारी रीति रिवाज क्या बातें हो रही है, कुछ मैं बीच में ऐसे ही रखूँगी और कुछ मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये जो चुन्नी लगा रहे हैं ना, शायद ये चुन्नी आती है ससुराल वालों की तरफ से, पहले आ जाती है चुन्नी, तो उस चुन्नी को लगाना ही पड़ता है ऊपर से, इसे हम रीढ़ा दुपट्टा बोलते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में। और दूसरी तरफ को आप देख रहे हो, मेरी जो भाभी के मम्मी पापा भी बैठे हैं, वो अभी कन्यादान कर रहे हैं, वही हो रहा है, और इसको निकालते नहीं हैं, इस दुपट्टे को बोल रहे थे कि ये निकालते नहीं है, इसको ऐसे ही लगाना पड़ेगा।
तो ये जो आप देख रहे हो ये बेदी होती है, इसे हम बेदी बोलते हैं, और ये मामा की तरफ से आती है। इसी के नीचे सारे लगन वगैरह लगते हैं। अभी देखिए दूल्हे का सेहरा ऊपर कर रहे हैं, और ये है मेरी भाभी के मम्मी पापा जो आप देख रहे हो नीचे, जो निकाल रहे हैं सेहरे को, अब ऊपर की तरफ कर देते हैं जो नीचे की तरफ झूला हुआ। और ऊपर देखिए ड्रोन कैमरा से भी शूटिंग हो रही है शादी की, तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर। और इसमें मेरी जो वीडियो है ना, उसमें मेरी बहन ने भी काफ़ी हेल्प की है, उसने ज़्यादातर शूटिंग की है जो आप अभी देख रहे हो वीडियो की। पूरा डीपली तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी क्या क्या रीति रिवाज होते हैं हमारे यहाँ पर, वो तो मैं दिखाऊँगी जब हमारे कहीं रिलेटिव की शादी होगी ना, तो शुरू से मैं आपको दिखाऊँगी तेल से। नहीं लाने बच्चे, चीजी तो हम ला रहे थे, मैंने मना की, चीजी नहीं खाते हम नहीं ला रही थी चीजी ना, इधर देखो आदू, मैंने मना कर दी ना अम्मा को कि गंदे कर देगी आदू कपड़े वगैरह, देखो जरा आदू इधर, और ये देखिए बेदी में जो आपको येलो कलर का कपड़ा दिख रहा है ना ऊपर लगाया हुआ, वैसे तो ज़्यादातर लोगों को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है वो मैं बता देती हूँ क्यों लगाया हुआ। इसमें देखिए एक नलेर हम बोलते हैं इसको, मतलब नारियल रखा हुआ है साथ में 10 रुपीज़, और इसको इस तरह से लाल जो मौली होती है उससे बांधा हुआ है, तो इसको इसलिए लगाते हैं, बोलते हैं कि शिव जी ने ना इसके ऊपर सांप रखा था, क्योंकि पार्वती ने जब बोला था कि सांप के साथ भी मेरी शादी हो जाएगी, फिर तो इसीलिए शिव जी ने रखा था ऊपर, और इसीलिए ये लगाया जाता है फिर कपड़ा, तो ये जरूर लगाया जाता है बेदी में। और ऊपर से मैं दिखा रही हूँ आपको, देखिए अभी बस यही काम चला हुआ है हमारा, ज्यादातर काम बेदी में होता है, उसके बाद जयमाला वगैरह होती है, और बेदी में ही जो भी दुल्हन को गिफ्ट दिए जाते हैं वो भी बेदी में ही। और यहाँ से मैं नज़ारे आपको दिखा रही हूँ, ऊपर आपको कुलदेवी का टेम्पल दिखेगा पूरे टॉप पे है जो, और यहाँ नीचे ये है मेरी भाभी का मायका, जो मेरी बड़े वाली भाभी है उनका मायका है ये, और ये देखिए मैंने पकड़ा है श्रेयान्वी को, मैंने गोदी में पकड़ा हुआ है क्योंकि वो अपनी मम्मा को तंग कर रही थी, तो मैं उसको मतलब मैं और मम्मी उसको ऊपर ले आए थे, क्योंकि पता ही आपको शादी में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, और फिर ये बच्चे छोटे छोटे बच्चे ज़्यादा परेशान करते हैं जब आपकी किसी अपने रिलेटिव की शादी हो तो। तो अभी आपने देख लिया है 7 फेरे वगैरह हुए हैं, जब इस तरह से शादी देखते हैं ना तो अपनी शादी के दिन भी याद आते हैं, क्योंकि हमारे इसी तरह से सारी रस्में होती हैं। ऊपर देखिए मैं और मम्मी खड़े हुए हैं, और ये शूटिंग मेरी बहन कर रही है अभी।
तो अभी जो यहाँ पर ना इसे बोलते हैं लाया लगाना, मतलब जो भी किसी ने गिफ्ट वगैरह देने हो वो यहाँ पर ये बेदी में दिए जाते हैं। और ये मेरे भाभी के मम्मी और पापा हैं जो अभी आप देख रहे हो, वो दे रहे हैं। जो भी गिफ्ट वगैरह होते हैं वो इसी तरह से हमारे बेदी में दिए जाते हैं, और मेरी शादी में भी इसी तरह से दिए गए थे सबकी जो हमारी लोकल होती है। और ये जो हाथ में पहना रहे हैं ना अभी, इन्हें कलीरे बोलते हैं हम लोकल लैंग्वेज में अपनी, ये ज़रूर पहनाते हैं शादी में लड़की को। जैसे जो भी बेदी में कुछ लगाते हैं, मतलब बेदी में इसको लगाना बोलते हैं, जो भी कुछ भी लड़की को देते हैं गिफ्ट वगैरह बेदी में, तो वो एक कलीरा ज़रूर पहनाते हैं जो बाजू में पहन रहे हैं। तो इनको थोड़ी ज़्यादा जल्दी जल्दी लगी थी, क्योंकि जो लड़की की मतलब विदाई थी वो 4 बजे की थी, तो 4 बजे इनको निकलना था, क्योंकि ये जो बारात है यहाँ पर सोलन से आई हुई है, तो इसीलिए काफ़ी दूर इनको जाना था। फिर आगे जैसे टाइम होता है, एंट्रेंस का भी टाइम होता है, शुभ मुहूर्त होता है, तो उसी हिसाब से। और अभी देखिए मेरे भाई भाभी भी आ गए हैं, ये भी लगा रहे हैं। तो भाभी कैसी लग रही है आपको, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। वैसे मैं अपनी भाभी का ज़्यादातर नाम ही लेती हूँ, नाम से ही दोनों भाभीियों को पुकारती हूँ। तो ये देखिए मेरा भाई है पीछे और मेरी भाभी है। जो भी लगाना हो ना, मतलब वो इसी तरह से बेदी में ही लगाया जाता है। और जैसे जो ज़्यादा नज़दीक के होते हैं वो गोल्ड वगैरह देते हैं, जैसे मैंने दिखाया था आपको, तो ये भाभी ने पकड़े हुए गोल्ड हाथ में, टॉपस लिए थे उन्होंने गोल्ड के, वही दे रही हैं अपनी बहन को गिफ्ट। बाकी और भी सूट वगैरह, और ये सूट केस इस तरह से हमारे दिया जाता है। और अभी जो मैं आपको दिखा रही हूँ, अभी से बोलते हैं सुंगर खिलाना, जो आप देख रहे हो थाली में रखा है, ये साली खिलाती है अपने जीजा को, जो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये ब्लॉग फिर बहुत लंबा हो रहा था। सो चलिए आज का ब्लॉग कर रही हूँ मैं यहीं पर ही खत्म। आई होप आपने ये ब्लॉग इंजॉय किया होगा। थैंक यू, नेक्स्ट ब्लॉग देखना मत।